अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल मैंने कुछ 3 टर्म्स पढ़ने के लिए दी थी, किसी ने कुछ उसको एक्सप्लोर किया तो बताएं। पढ़ा है मैंने। ठीक है, क्या था उसके अंदर? अच्छा, 3 टर्म्स थी, डिपेंडेंसी, पैकेज और लाइब्रेरी। डिपेंडेंसी को अगर मैं एक लाइन के अंदर जो एक्सप्लेन करूं, जो मुझे समझ आए, कोई ऐसा थर्ड पार्टी कोड जिसको ऐड किए बगैर हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर पर्टिकुलर फंक्शन जो है ना परफॉर्म नहीं कर सकते। इसकी एग्जांपल मैं इस तरह से दे दूंगा। जैसे फर्ज किया, हमारे पास एक एप्लीकेशन है, ऐप है, उसके अंदर कि हमारे पास फीचर हो ईमेल सेंड करने का या रिसीव करने का, तो कोई ऐसी थर्ड पार्टी होगी जो हमें वो फीचर जो है ना सर्विस हमें प्रोवाइड करेगी। ठीक है, अगर हमारे पास वो अगर हम वो कोड या वो कोई सर्विस उससे नहीं लेते, तो हमारी एप्लीकेशन में जो सेंडिंग की सर्विस है ना वो नहीं अवेलेबल हो सकती। ठीक है, तो शायद मतलब ये बेसिकली डिपेंडेंसी है, कोड की डिपेंडेंसी है, कि ऐसा कोड जो डिपेंडेंट हो, ठीक जिस है। जिसके ऊपर डिपेंडेंट हो हमारी एप्लीकेशन। यार लाइब्रेरी भी तो यही काम करती है। फॉर एग्जांपल हम पिकासो की लाइब्रेरी इंप्लीमेंट करते हैं अपने कोड में, वो जो इमेज अपलोड करने के लिए होती है, तो वो भी डिपेंडेंसी की तरह ही काम कर रही है। उस लाइब्रेरी को इंपोर्ट किए बगैर हम इमेज अपलोड नहीं कर सकते। अच्छा सही। तो आपने इसके बारे में क्या फायरबेस की बात कर रहा हूँ। क्या किया इसके अंदर, आपने देखा क्या इसको? हसन भाई, सॉरी सॉरी, क्या कह रहे? हाँ मैं कह रहा हूँ आपने इसके बारे में क्या देखा है मजीद, मतलब कुछ हमें बताइए ना। नहीं, मेरा मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है। उन्होंने जब कहा है कि डिपेंडेंसी ये काम करती है कि उसे एक कोड होता है, उसे हम इम्पोर्ट करते हैं अपने फंक्शन में या अपने एप्लीकेशन में, तो वो डिपेंडेंसी ये काम करती है कि आप वो फंक्शनैलिटी यूज़ कर सकते हो, उसके बगैर आप यूज़ नहीं कर सकते, यानी कि उस पर डिपेंडेंट हो। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि लाइब्रेरी भी तो यही काम करती है ना। अगर कोई फंक्शनैलिटी हमें चाहिए तो उस चीज़ की लाइब्रेरी हम इम्पोर्ट कर लेते हैं अपने कोड में या अपने एप्लीकेशन में, तो उस बेसिकली फंक्शनैलिटी को हम मिलती यूज़ कर जुलती लेते हैं। ये टर्म्स हैं, मिलती जुलती टर्म्स हैं, इनमें स्लाइटली डिफरेंसेस है थोड़े से सिर्फ। तो इसकी एग्जांपल कोई है ऐसी जो इनको सेपरेट करती है, डिपेंडेंसी को और लाइब्रेरी को? अभी शायद बता रहे थे। लाइब्रेरी तो वैसे बेसिकली एक जो है ना फाइल ऐसी होती है जो कि जिसमें मल्टीपल फंक्शंस होते हैं। ठीक है, अब वो फाइल की डिपेंडेंसी जो है ना वो एक इटसेल्फ एक टर्म ऐसी है। डिपेंडेंसी का आप नाम से ही आपको पता चलता होगा कि डिपेंडेंसी एक चीज दूसरी चीज के ऊपर डिपेंड करना। तो डिपेंडेंसी में इस तरह से फर्क है कि वो जो पैकेज होता है या जो आप कह रहे हैं लाइब्रेरी, उसको ऐड करते हैं। वो लाइब्रेरी एक अलग टर्म, उसको हम ऐड करते हैं, वो डिपेंडेंसी उसके ऊपर आ जाती है, लेकिन वो अलग टर्म है लाइब्रेरी ना। वो सिर्फ जो है ना फंक्शंस, मल्टीपल फंक्शंस उसमें होते हैं और वो टास्क परफॉर्म करते हैं मल्टीपल। तो डिपेंडेंसीज को भी हम ऐड ही करते हैं अपने एप्लीकेशन में और उसकी फंक्शनैलिटी को यूज करते अच्छा, हैं। उसके अंदर ना ये एक डिपेंडेंसी, मतलब उसके नाम से शुरू है कि वो डिपेंडेंट जिसके ऊपर आपका हो ना, उसके बगैर काम नहीं हो रहा, वो पर्टिकुलर जो आपका फंक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं वो हो नहीं रहा, तो इसलिए उसको डिपेंडेंसी कहते हैं। बेसिकली मैंने आपको पहले बताया मिलती जुलती चीज़ें हैं, मॉड्यूल भी लाइब्रेरी होता है, ठीक है, ओके, सही होगा। उसके बाद आता है पैकेज। पैकेज क्या है? पैकेज यार बेसिकली यू कह लो कि हमारे एप्लीकेशन में अगर कोई मिलती जुलती चीज़ें हैं, एक जैसी क्लासेस हैं सेम नेम की, तो उनको उनके नेम को कंफ्लिक्शन जो होती है उससे बचने के लिए हम पैकेज बना देते हैं। एक पैकेज में हम एक क्लास को रख लेते हैं, दूसरे पैकेज में उसी नेम की उस क्लास को रख लेते हैं। तो बेसिकली नेमिंग कंफ्लिक्शन जो होता है ना उससे बचने के लिए पैकेज बनाए जाते हैं। ठीक हो गया, सही हो गया, बेस्ट है। अच्छा, और यहाँ पे है अहमद। अहमद प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। आज का दिन मैंने आप लोगों से सीखना है, ठीक है अहमद? अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही? वाले जी, बिल्कुल आवाज आ रही है।
जैसे आपने भी कहा है कि डिपेंडेंसी के नाम से जाहिर है कि वो डिपेंड कर रही होती है, मतलब अगर हम उसको ना इंक्लूड करवाएं तो हम उसके फंक्शंस नहीं यूज़ कर सकते, यही ठीक बेसिकली है कहना चाह रहे थे। ओके कह तो सकते इसी हैं। तरह लाइब्रेरी है, हम इंक्लूड ना करवाएं तो हम उसके फंक्शंस को यूज़ नहीं कर सकते। जिस तरह हम सी प्लस प्लस में एक लाइब्रेरी होती थी stdio.h या इस तरह कोई इकोनी होगी, तो फिर हम फंक्शंस यूज़ करते थे उसके, अदरवाइज हमें उसको करना पड़ता था हर फंक्शन के। नहीं बट ये है कि तो फिर बेसिकली डिपेंडेंसी लाइब्रेरी या पैकेज। वो मैं पूछना चाह रहा हूँ ना, मेन डिफरेंस क्या हुआ? पैकेज तो सिंपली हो गया ना, हमारे पास एक फंक्शंस हो गए सेट ऑफ, मतलब तो हम सिंपली वो पैकेजेस, मैंने जहाँ तक पढ़ा ना, वो हम स्पेसिफिक एक लैंग्वेज के लिए बनाते हैं, मतलब पाइथन के अलावा पैकेजेस होंगे, जावा स्क्रिप्ट पढ़े हैं उसके अलावा होंगे, इसका बस यही। लेकिन मुझे उसकी समझ नहीं आई मेन, उसकी डिपेंडेंसी की लाइब्रेरी में फ़र्क की, दोनों ठीक एक हो ही गया काम कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे होते हैं, मतलब उनको ना इंक्लूड करवाएं तो नहीं वो होता। सही हो गया बेस्ट है। अच्छा तो यहाँ पे हमारे साथ उमर है। उमर आपने कुछ कहना है? मुझे भी कन्फ्यूजन है, मैंने वैसे इसके बारे में पढ़ा था लेकिन कन्फ्यूजन है बीच में, तो वो आप क्लियर कर दें, मिलते जुलते यही है। सही है। मैं तो बेसिकली तुम लोगों से सीखने का इंतजार कर रहा था आज के दिन। अच्छा बेसिकली ना पैकेज जैसे अपने नाम से वाजह कुछ बंडल होगा। पैकेज मीन्स सम बंडल, बंडल ऑफ क्लासेस। ठीक है फॉर अ रेलिवेंट सोर्ट ऑफ टास्क, तो उसके लिए जो क्लासेस बनती हैं उसका पूरा बंडल, जैसे एहसन भाई ने बड़ा वेल एक्सप्लेन किया कि हम उसको एक पैकेज की सूरत देते हैं ताकि उसमें के नामों में कन्फ्लिक्ट ना हो। ठीक है उसके बाद हमारे पास जो आता है ना लाइब्रेरी, लाइब्रेरी को मॉड्यूल होता है बेसिकली कह लो कि एक काम के वाले से जो कोड है ना, कलेक्शन ऑफ कोड है इकट्ठा, वो लाइब्रेरी है। डिपेंडेंसी भी मिलती जुलती चीज है, लेकिन क्या होता है उसमें थोड़ी स्ट्रिक्टनेस आ जाती है कि वो डिपेंड हमारा निज़ाम उसके ऊपर कर रहा होता है। सही हो गया। तो ये मिलती जुलती ही टर्म्स हैं, मैंने ऐसे ही जो है ना वो दे दी थी। सही, सही। लाइब्रेरी के ऊपर भी डिपेंड नहीं कर रहा, आप कह रहे हो लाइब्रेरी एक मतलब वो है सेट ऑफ लाइब्रेरी कोड है, तो देखो वो सेट आप ऑफ फंक्शंस। यहाँ पे मैं अगर तुम लोगों के सामने ये चीज लिखता हूँ, ये देखो ये नजर आ रही स्क्रीन। नहीं ओके मैं कर रहा हूँ शेयर यहाँ पे। ठीक अभी नजर आ रही है? हाँ नजर आ रही है। सही हो गया। अच्छा यहाँ पे देखो कि वो कह रहा है हम लोग को लाइब्रेरीज, ये पढ़े कोई लाइब्रेरीज एंड डिपेंडेंसीज आर लाइक पर्सन एंड रिलेटिव्स, वन इज जस्ट एन एंटिटी, द अदर इज अ रिलेशनल एंटिटी। सिमिलरली अ कोड लाइब्रेरी बिकम्स अ डिपेंडेंसी ओनली वेन एन अदर प्रोजेक्ट यूजेज इट, एंड देन इट्स अ डिपेंडेंसी ऑफ दैट प्रोजेक्ट एंड नॉट ऑफ एन अदर। सही हो गया ना। तो लाइब्रेरी भी बिकम्स अ डिपेंडेंसी व्हेन अनदर प्रोजेक्ट्स यूजेस। तो आपने अगर अपने अपने लिए बनाया हुआ अपने कोड के अंदर आपका यूज हो रहा है तो वो लाइब्रेरी है, अगर किसी और ने उसको यूज करना है और वो उसका कोड उस पर डिपेंड कर रहा होगा तो डिपेंडेंसी है। कुछ क्लियर हुआ है तो सम जैसे भाई? हम लाइब्रेरी बेसिकली आप कह सकते हो कि एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, जिस तरह एक फंक्शन में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, तो हम उसे अपने प्रोग्राम या अपने एप्लीकेशन में कहीं भी कॉल कर सकते हैं। इस तरह लाइब्रेरी में हम इंस्ट्रक्शंस डिफाइन कर देते आप हैं मान लो और को उसे। सेट ऑफ फंक्शंस होते हैं, सेट ऑफ क्लासेस होती हैं, तो वो एक जैसी मिलती जुलती चीजें हैं। ठीक है जैसे एक ऐसे लाइब्रेरी के नहीं, अंदर मल्टीपल बुक्स होती हैं। सही हो गया जी। हमें हमारा हम अपना सी प्लस प्लस में कोड करते थे तो हम ऊपर वो लाइब्रेरी इंक्लूड करवाते थे, तो वो हमारी डिपेंडेंसी कहलाएगी क्योंकि हमारा कोड डिपेंडेंट होता है उसके ऊपर, क्योंकि हम फंक्शंस यूज़ कर रहे होते हैं उस लाइब्रेरी ठीक के, है कह लो। तो वो डिपेंडेंसी कहलाएगी कि हाँ लाइब्रेरी, डिपेंडेंसी कहलाएगी, मान लो वो किसी और ने लिखी हुई है ना। क्योंकि हाँ वो हम अब उस अपने कोड में यूज़ कर रहे हैं। डिपेंडेंसी लाइब्रेरी मिलती जुलती चीजें मैं आपको बता रहा हूँ।
आप कोई कोड लिखते हो, वो आपके लिए, वो आपका बंच है पूरा पैकेज कह लो, वो लाइब्रेरीज है, और वो जब किसी और कोई और उसको लिंक करके यूज करेगा ना, तो वो डिपेंडेंसी हो जाएगी। सही हो गया, ठीक हो गया, बेस्ट है आप क्लियर हो गया काफी हद तक के, मतलब क्या। ये क्लियर। तुम लोगों को आज मुझे करना चाहिए था। कोई कोई पॉइंट में कंफ्यूजन तो नहीं है डिपेंडेंसी पैकेज या लाइब्रेरी में? हे हेलो, कोई नहीं नहीं कंफ्यूजन तो नहीं क्लियर हो है? गया। थोड़ा सा हाँ हुआ है असम भाई। सही हो हाँ गया। जी, हाँ जी, अच्छा अब हम क्या करते हैं, अब हम कल की तरह दोबारा अपने रिएक्ट नेटिव की डॉक्यूमेंटेशन की तरफ आएंगे। उसके साथ साथ मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे वीएल स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ। एसन भैया, आपने लास्ट टाइम मैंने आपने बताया था कि मैं आपको अपना विजुअल स्टूडियो कोड गूगल के साथ लिंक करना बता दूंगा मैं हाँ वो आपको, भी यार मैं आपको बता दूंगा, अब तो उसकी जरूरत नहीं रही खैर, क्योंकि हम लोग अब लेकिन जब जावा। फिर अगर वो देखे ना एडिशनल काम वो जो आपने बताया था, तो वो फिर ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है, मैं उसके लिए ग्रुप के अंदर तुम लोगों को बता दूंगा। वो बेसिकली लाइव सर्वर होता है क्रोम का, तो उसका तरीका बता दूंगा। लेकिन उसके मैसेज, अगर वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाए, कंफ्यूजन हो जाए, तो उस चीज में ना जाना अभी, क्योंकि हम लोग क्योंकि क्या करेंगे अब, जस्ट हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट को नहीं देखना, हम लोगों ने उसका मोबाइल डेवलपमेंट का देखना हमने कोड। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक सही हो गया ना? हो गया। ठीक है, जबरदस्त। यहाँ पे ठीक है। अच्छा अब मैं दोबारा ना लेके जा रहा हूँ तुम लोगों को रिएक्ट नेटिव किसी डॉक्यूमेंटेशन की तरफ, जो हम लोग कल वो डिस्कवर कर रहे थे। किसी ने देखा उसको आगे से डॉक्यूमेंटेशन को? नहीं ठीक है, और मैंने कुछ ग्रुप के अंदर एक्सप्लोर करने के लिए APIs बताई थी कि आपने खुद ही एक्सप्लोर करना है उनको। उसमें से कोई API किसी ने देखी हो? जैसे मान लो वेदर की थी, करेंसी कन्वर्जन की थी, और एक तो यूनिट कन्वर्जन की थी आई थिंक, मैं देखता हूँ। नहीं, न्यूज़ API थी, ठीक है। इनमें से किसी ने कोई एक्सप्लोर नहीं की। अच्छा आज तुम लोगों ने ये भी काम करना है कि रैपिड API की जो मैंने वेबसाइट बताई है ना, वो बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है APIs को लेके, तो वहाँ पे देखना है किस किस किस्म के APIs है, मतलब हम लोग कौन कौन सा काम कर सकते हैं उन APIs को यूज़ करते हुए, समझ रहे हो? तो वो आपने खुद ही एक्सप्लोर करना है, और मुझे कल ना उसके बारे में रिव्यू देना है। सही हो गया, सही हो ठीक गया। है, अब ये ठीक तुम हो लोगों गया के भाई, ठीक सामने हो ये गया, है ठीक हो रिएक्ट गया, नेटिव की डॉक्यूमेंटेशन। ओके अहमद, ओके ठीक हो गया, आई नो। अच्छा इसको कहाँ से शुरू करें, लेट मी सी दैट। अच्छा मैंने कल कुछ बताया था कि इसमें जो हम लोग कोडिंग करेंगे, वो बेसिकली उसके दो स्टाइल्स हैं, दो वेज हैं, तो यहाँ पे भी वो वही बता रहा है कि वो या तो फंक्शनल कंपोनेंट्स के थ्रू कोडिंग हो सकती है या क्लास कंपोनेंट्स। ठीक है, तो मतलब जी जावास्क्रिप्ट फंक्शंस को बहुत हैवी हैंड पे लेता है, वो कहता है हर काम आप फंक्शंस के जरिए भी कर सकते हो, जरूरी नहीं आप क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स लो। ठीक हो गया, और मैं यहाँ पे कहाँ पे जा रहा था, एनवायरनमेंट सेटअप। अच्छा यहाँ से देखना शुरू करो, कल कौन पढ़ रहे थे जो रीडिंग कर रहे थे कल? जी शायद 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 आज भी आप ही करेंगे, कल मुझे आपकी ना आवाज़ काफ़ी पसंद आई थी। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा देख लो, इसको ना सारे को पढ़ना है एक दफ़ा ताकि, और इस तरह पढ़ना है कि मज़ा आए, नेक्स्ट पर्सन को समझ भी लगती जाए। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा ज़रूरी है, मैं जब देख रहा था ना डॉक्यूमेंटेशन को, तो इसको समझना ज़रूरी है स्टार्ट से कि हम लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली। सेटिंग अप द डिवेलपमेंट इन्वायरमेंट। जी इफ यू आर न्यू टू मोबाइल डिवेलपमेंट, हम्म, इजिएस्ट वे टू गेट स्टार्टेड इज विद एक्सपो CLI। एक्सपो इज अ सेट ऑफ टूल्स बिल्ट अराउंड रिएक्ट नेटिव, एंड वाइल इट हैज मैनी फीचर्स, द मोस्ट रेलिवेंट फीचर फॉर अस राइट नाउ इज दैट इट कैन गेट यू राइटिंग अ रिएक्ट नेटिव ऐप विद इन मिनट्स। You will only need a recent version of Node.js. तो है हम लोगों के पास नोड जेएस, ठीक है हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया हुआ है। ओके नेक्स्ट, चलो ठीक And a phone or emulator. है, फोन और एम्यूलेटर भी हम लोगों के पास है।
इफ यू वुड लाइक टू ट्राई आउट रिएक्ट नेटिव डायरेक्टली इन योर वेब ब्राउजर बिफोर इंस्टॉलिंग एनी टूल्स यू कैन ट्राई आवर स्नैक. ठीक है यहीं पे रुको. आउट स्नैक यहाँ पे देखो स्नैक लिखेंगे ना हम लोग snack.io. आई थिंक यही है इनका यूआरएल snack.io. खुलना चाहिए इसको फिर मजा आएगा. snack.export.io सॉरी export.io. ठीक हो गया. तो यहाँ पे भी क्या करते हैं हम लोग अपना सारा कोड लिख के तो उसको एंड्रॉइड के हिसाब से भी देख सकते हैं iOS के हिसाब से भी. तो ये हम लोग को वेब पे सारे इमुलेटर्स मुहैया करता है. हम लोग देखेंगे इसको आगे. ठीक है ये बड़ी काम की चीज़ है. सही हो गया. अब दोबारा आ जाओ यहाँ पे. इफ यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद मोबाइल डेवलपमेंट यू मे वॉन्ट टू यूज React Native CLI. इट रिक्वायर्स Xcode और Android Studio to get started. ठीक हो गया. तो मतलब वो कह रहा है अगर आपको थोड़ा बहुत मोबाइल डेवलपमेंट का पता है तो आप React Native CLI से काम लो. तो वो हम React Native CLI को बाद में देखेंगे. हमने क्या करना है Xcode CLI से काम लेना. सही हो गया. If you already have one of these tools installed, you should be able to get up and running within a few minutes. If they are not installed, you should expect to spend about an hour installing and configuring them. काफी ज़्यादा मुश्किल होता है Android Studio को configure करना. जिन लोगों ने काम किया उनको तो पता है ना इसके साथ. ठीक है लेकिन अभी के लिए क्या करेंगे ये development को बहुत आसान बनाती है. जो Expo की app आपको याद है मैंने start से आपके mobile में install करवाई हुई है. बिल्कुल. तो उससे हम लोग काम करेंगे. ठीक है वो हम लोग कहाँ पे जब भी हम लोग ये चॉइस आएगी ना दोनों में तो हम लोग अभी स्टार्ट के लिए एक्सपो CLI क्विक स्टार्ट के अंदर उसको देखेंगे. क्योंकि रिएक्ट नेटिव में देखेंगे तो उसकी इंस्टॉलेशन किसी और तरीके से वो बताएगा लेकिन एक्सपो के वाले से हम लोग देखेंगे. ठीक है वो कह रहा है अज्यूमिंग दैट यू हैव नोड 12 LTS और ग्रेटर इंस्टॉल्ड. हम लोगों के पास ऑलरेडी लेटेस्ट इंस्टॉल्ड है. ठीक है उसके बाद हम लोगों ने जहाँ पे चॉइस आएगी ना npm और yarn की तो हम लोगों ने npm देखना है. npm याद आया तुम लोगों को नोड पैकेज मैनेजर. ठीक है बिल्कुल. अच्छा वो सबसे पहले क्या कह रहा है. ठीक है शायद थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर रीडिंग. अच्छा अब वो कह रहा है कि npm सबसे पहले वो क्या कह रहा है. यू कैन यूज npm टू इंस्टॉल एक्सपो CLI कमांड लाइन यूटिलिटी. ठीक है तो एक्सपो CLI की कमांड लाइन यूटिलिटी को इंस्टॉल करने के लिए वो तुम लोगों को तरीका बता रहा है. npm इंस्टॉल और ये डैश सी तो ये जी क्या करता है ग्लोबली इंस्टॉल करता है और आगे एक्सपो CLI. ऐसे ही हम लोग लिख रहे थे ना npm इंस्टॉल और नोड फेच. जी कुछ समय लग रही है ऐसा ऐसा थोड़ी थोड़ी. मैं बेसिकली आप सारों को गुजारना चाह रहा हूँ इस ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से. कल को मान लो वो तरीका बदल देते हैं कि जैसे हम क्या कह रहे हैं आप एक्सपो CLI आप इस तरीके से नहीं इंस्टॉल करोगे बल्कि यहाँ पे कोई और कमांड दे देते हैं. ठीक है तो हम लोगों का होगा फैमिलियर होंगे हम लोगों के डॉक्यूमेंटेशन को किस तरह पढ़ना ऑफिशियल. सही है ओके सही हो गया बेस्ट ठीक हो गया ओके जी बेस्ट है. अच्छा अब इसके अंदर आ जाओ. सॉरी ये हम लोग करते हैं अब npm इंस्टॉल. और ये इससे पहले ना मैं तुम लोगों को एक ना टिप देता चलूँ अभी स्टार्ट के लिए. मान लो ये मैंने खोला है Visual Studio Code यहाँ पे. ठीक है मैं क्या करता हूँ मैं ना कोई मैं यहाँ पे तुम लोगों को दिखा दूँ कि ओपन फोल्डर जैसे मान लो कि मैंने स्टार्ट के लिए क्या करना है मैं ना कोई न्यू फोल्डर बना लेता हूँ अपने ना डेस्कटॉप पे इसमें मैं लिख लेता हूँ मान लो रिएक्ट नेटिव प्रोजेक्ट्स. तो हम जितने प्रोजेक्ट्स बनाएंगे ना वो इसके अंदर हम लोग रख लेंगे उनका सोर्स कोड. ठीक है जस्ट रिएक्ट नेटिव सही हो गया. इसको मैं कर लेता हूँ ओपन. तो ये मेरा यहाँ पे VS Code के अंदर लेफ्ट साइड पे देखोगे ना ये ओपन हो गया.
सही है। अच्छा अब मैं यहाँ पे ना टर्मिनल ओपन करता हूँ अपना, तो ये मेरा उस फोल्डर में टर्मिनल ओपन हो गया। ये मेक श्योर करना है कि उसी हम लोग के जिस फोल्डर के अंदर टर्मिनल ओपन है, मतलब नेविगेटेड है टर्मिनल। ठीक हो गया एहसन भाई, नहीं हमारे ठीक साथ है ठीक है है एहसन भाई, ठीक अहमद है, रिम शाह है, शाहिद है, उमर है। ओके जा रहा है अभी तक सारा कुछ, कोई हाँ जी कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? नहीं। सही हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, अगेन हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ पे देखो ये पूरी पूरी कमांड को ना यहाँ पे कॉपी करने की ऑप्शन है, हम लोग जस्ट कॉपी पेस्टिंग। इसमें हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोग ऐसा ऐसा जैसे जैसे हम लोग एडवांस लेवल पे मूव करेंगे तो हम जस्ट कॉपी पेस्टिंग से अपना काम चलाया करेंगे, बजाय इसके कि हम लोग टाइपिंग ज्यादा करें। ठीक हो गया। तो मैं यहाँ पे अगेन वी एस कोड के अंदर आऊंगा और मैं क्या कर दूंगा, इसको पेस्ट कर दूंगा। नजर आ रहा है, जी NPM है नोड पैकेज मैनेजर, और कोई पैकेज इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे लिखते हैं हम इंस्टॉल, और ये डैश जी क्या होता है, उसको ग्लोबली इंस्टॉल कर देता है और आगे पैकेज का नाम होता है एक्सपो CLI। एसएन इसकी क्लियर नहीं है, ये एक्सपो CLI और रिएक्ट नेटिव CLI, ये क्या मतलब मेन डिफरेंस? अभी आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो जाएगी, अभी आज ही बेसिकली इस सेशन के एंड तक तुम लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है ठीक है, हम एंटर करेंगे ना, जस्ट इट विल टेक सम टाइम। ये देख रहे हो पैकेज पूरा इंस्टॉल हो रहा है, जैसे नोड फेच इंस्टॉल हुआ था। ठीक है ना, सही है। मेरे डेस्कटॉप के अंदर है वो फोल्डर रिएक्ट नेटिव प्रो का, इसको भी मैं करता हूँ मिनिमाइज, अभी तुम लोग को ओपन करके दिखाऊंगा। अच्छा बोरिंग तो नहीं हो रहा? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं आज हो थोड़ा रहा। सा प्रैक्टिकल लेके जा रहे हैं ना, वाइस से चीज़ों को प्रैक्टिकली भी तो डील करना है, जस्ट उसकी मतलब वही तो नहीं देखी जानी ना कि क्या होता है, कि ये क्या होता है, वो क्या होता है। आज हम लोग का वैसे बाय द वे सिलेबस की तरतीब से, और जो स्केड्यूल मैंने तुम लोगों के साथ शेयर किया था उसकी तरतीब से, आज हम लोग का पहला दिन बन रहा है मॉड्यूल 2 का। तो पहले दिन के अंदर क्या है, नॉलेज रिलेटेड टू रिएक्ट नेटिव इंक्लूडिंग पैकेजेस डिपेंडेंसीज, तो वो हम लोगों ने देख लिया है। इंस्टॉल करना था हम लोगों ने रिएक्ट नेटिव को, हेलो वर्ल्ड की कोई ऐप बनाएंगे और उसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत उसके अंदर देखेंगे डिजाइन के वाले से। ओके हो गया जी। ब्रदर लेकिन जिन्होंने एक्सपो की वो नहीं थी की, मतलब ऐप नहीं थी आपने जेनी मोशन किया था जी, तो वो साथ चल गया था, कनेक्ट कर लिया था उसके जो एनवायरनमेंट वेरिएबल्स वगैरह सेट करने से। ठीक हाँ वो कर लिए थे अपने, है जो अभी उसमें उसका भेजा था तरीकेकार ग्रुप में आपको वो बता कर। दूंगा। सही है, अभी ओके देखते हैं हम उसे। मैंने वैसे रिएक्ट नेटिव के साथ जेनी मोशन का तो नहीं इमुलेटर का भी यूज किया है, लेकिन दूसरा इमुलेटर यूज किया है, तो उसी तरीके को हम चला के देखते हैं। ये हम लोगों के पास पैकेज इंस्टॉल हो रहा है। अगर तुम लोगों की इंटरनेट स्पीड पे और सिस्टम की स्पीड पे डिपेंड कर सकता है इसका टाइम, क्योंकि मेरे पास इंटरनेट भी फास्ट और सिस्टम भी थोड़ा फास्ट वाला है, तो ये काफ़ी मतलब जल्दी में हो रहा है। ठीक है, ये तुम लोगों को हर हर पैकेज मतलब हर जो तुम लोगों ने प्रोजेक्ट बनाना है ना, ये काम सबके लिए नहीं करना, मतलब रिएक्ट नेटिव प्रो के अंदर फोल्डर के अंदर जाकर तुम लोगों ने एक दफा उसको ग्लोबली इंस्टॉल कर दिया। प्रोजेक्ट बनाने में, हर प्रोजेक्ट बनाने में तुम लोगों ने एक्सपो CLI इंस्टॉल नहीं करनी, बल्कि वो ऑलरेडी कंसिडर्ड इट विल दैट कि वो इंस्टॉल्ड है। ठीक हो गया एक्सपो CLI। अब जी क्या हुआ, ठीक यहाँ पे है एक्सपो CLI इंस्टॉल हो गई है। ठीक है, 13 पैकेजेस उसके अंदर आए हैं जिसको उसने ऐड कर दिया, 2 पैकेजेस रिमूव कर दिए क्योंकि वो मेरे पास पहले भी इंस्टॉल था ना, तो उस वजह से ये मॉडिफिकेशंस आ रही हैं, चेंज्ड 1982 पैकेजेस उस वजह से। सही हो गया, इसको मैं क्या करता हूँ अभी के लिए CLS कर देता हूँ, क्लियर स्क्रीन इसकी हो गई टर्मिनल की। ओके जी, अब मैं यहाँ पे आऊँगा अगर, तो ये डेस्कटॉप का वो फोल्डर होगा जिसके अंदर मैं अपने प्रोजेक्ट्स को क्रिएट करूंगा भारी भारी। सही हो गया, आप चाहो तो आप इसका टर्मिनल यूज कर लो, ये वाला नीचे वाला, अगर
अगर तुम लोगों को कोड के दौरान इरिटेशन फील होती है ना कि तुम लोग ये वाला टर्मिनल नहीं यूज करना चाहते, देन यू कैन यूज योर सिस्टम सीएमडी। तो उसके लिए यहाँ पे तुम लोग टाइप कर सकते हो सीएमडी, तो उसे भी यूज कर सकते हो, ठीक है। और अगर सीएमडी बाय डिफॉल्ट हमारे यूजर्स वाले इस फोल्डर में ओपन होगा, अगर तुम लोग चाहो कि तुम लोग डेस्कटॉप पे उस फोल्डर में वो यूज करो सीएमडी, तो ये ऊपर जो एड्रेस बार होता है ना, इसके अंदर जाके जब सीएमडी टाइप करना है तो वो उसी फोल्डर के अंदर कमांड प्रॉम्प्ट जो सिस्टम का डिफॉल्ट होता है वो ओपन कर देगा। तुम लोग बिल्कुल टर्मिनल, जो काम तुम टर्मिनल से कर रहे थे ना, वो इसके अंदर भी कर सकते हो। सही हो गया। सही है। अच्छा, उसके अब क्योंकि बास का होता है, हम लोग को इरिटेशन हो रही है, देता हूँ। यूजली होता है कि हमने लहदा से सीएमडी ओपन किया होता है। अच्छा, वैसे इसलिए तुम लोगों को बताया। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम लोगों ने एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, कोई पहली ऐप हम लोगों ने अपनी क्रिएट करनी है। तो आर यू गाइज एक्साइटेड इसके लिए? कोई यस कोई नहीं बिल्कुल एक्साइटेड है, यस ठीक है। इतने दिनों से आप लोग इंतजार कर रहे हो, अब एक्साइटमेंट खत्म हो गया तुम लोग, ठीक है। अब वो कहते हैं एक्सपो इंस्टॉल करने के नहीं नहीं बाद देन रन दी फॉलोइंग कमांड्स टू क्रिएट अ न्यू रिएक्ट नेटिव प्रोजेक्ट कॉल्ड ओसम प्रोजेक्ट। तो इसने नाम रखा है प्रोजेक्ट का ओसम प्रोजेक्ट, हम चाहे जो भी नाम रख लें, ठीक है। उसके लिए वो तरीका बताता है, एक्सपो लिखना है, ठीक है। अब एक्सपो लिखने से क्या हुआ है कि तुम लोगों के पास एक्सपो एक्सपो इंस्टॉल करने से क्या हुआ है कि एक्सपो की एक अलहदा से कमांड क्रिएट हो गया। जैसे देखो ना, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आई थिंक एक्सपो, और उसका आई थिंक वर्जन चेक करने के लिए ये लिखेंगे, सॉरी क्या लिखेंगे मुझे अभी याद नहीं है। चलो खैर, मुझे अब उसकी याद नहीं है क्या है उसकी स्ट्रिंग कमांड। बहरहाल एक्सपो क्या हुआ है, इंस्टॉल हो गया सिस्टम के अंदर, सही हो गया। तो यहाँ पे जैसे अब एक्सपो एक अलहदा कमांड बन गई है, जैसे पहले नोड को इंस्टॉल करने से क्या हुआ था कि हम लोग के पास npm एक कमांड के तौर पे यूज हो रही थी, अब यहाँ पे एक्सपो इंस्टॉल हो गया तो हम एक्सपो से भी काम कर सकेंगे, npm से भी। एक्सपो क्या कहता है, एक्सपो इनिट, एक्सपो स्पेस इनिट लिखोगे और आगे प्रोजेक्ट का नाम लिख दोगे। इतना काम करने से आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा, सही हो गया। जैसे मान लो मैं अभी इसको कॉपी करूंगा, इस इतने हिस्से को, जस्ट उसने प्रोजेक्ट का नाम रखा ओसम प्रोजेक्ट, तो हम लोग कहेंगे आवर फर्स्ट ऐप, पेस्ट करूंगा, और ये क्या हुआ है, उसने उसी नाम से बना दिया। मैं लिखूंगा जस्ट एक्सपो इनिट, ऐसे ही था ना, ये नजर आ रहा है? जी जी अगर ये नजर आने में मसला होगा तो मैं दूसरी कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लूंगा तुम लोगों, ठीक है। एक्सपो इनिट, और मैं यहाँ पे लिखूंगा माय फर्स्ट ऐप, उसने रखा था ओसम ऐप, मैं रखूंगा माय फर्स्ट ऐप, ये मैं नाम रख रहा हूँ पूरे प्रोजेक्ट का, सही हो गया। 10 मिनट रह गए, ओके जी। कहीं पे कंफ्यूजन आ रही है ना, फौरन मुझे मतलब रोक देना वहीं पे कि यहाँ से मसला आ रहा है, सही हो गया। मैं इसको एंटर करूँगा, इसको मैंने एंटर किया है। अब यहाँ पे पूरे इस टर्मिनल के अंदर तुम लोग देखोगे वो क्या क्या वैरायटीज मेरे सामने लेके आ रहा है, खेल रहा है मेरे साथ। वो कह रहा है ब्लैंक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, अ मिनिमल ऐप एज क्लीन एज एम्प्टी कैनवस। तो ब्लैंक प्रोजेक्ट बिल्कुल क्रिएट होगा ये, उसके पास बने बनाए कुछ टेम्पलेट्स वगैरह भी पड़े हो सकते हैं, तो हमने क्या करना है, जस्ट ब्लैंक करना है, शुरू से काम शुरू करेंगे, सही है। तो ब्लैंक पे है ना उसका एरर, तो ऐसे ऊपर नीचे करके तुम लोग और सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, जस्ट ब्लैंक पे एंटर कर देंगे। टेम्पलेट हम लोगों ने ब्लैंक सेलेक्ट कर लिया। अब ये उसके पैकेजेस रेलिवेंट इंस्टॉल कर रहे हैं, इंस्टॉलिंग जावास्क्रिप्ट डिपेंडेंसीज, सही हो गया, सही है। नहीं पल्ले पै रहे हैं कुछ, सारा कुछ पे नहीं नहीं समझ आ रही है, सही हो गया। तो ये उसके रेलिवेंट जावास्क्रिप्ट डिपेंडेंस, इसका तुम लोगों ने वेट करना है, क्योंकि इसका वेट करने के तुम लोग मोहताज होगे। प्रोजेक्ट क्रिएट होगा तो आगे काम करेंगे, सही है जी, प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड पे ना, पहले हमने ओसम प्रोजेक्ट लिखा था, तो ओसम प्रोजेक्ट वाले को हम क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो रिएक्ट नेटिव प्रो वाला जो मेरा फोल्डर है, उसके अंदर उसने ऑटोमेटिक एक प्रोजेक्ट मेरा क्रिएट कर दिया, अभी हो रहा है लेकिन वो कर रहा है इसको, सही है। इसके अंदर बने बनाए फोल्डर बना बनाया, स्टार्ट वाला सारा कोड है। हम लोग आज देखेंगे कि फाइल्स की हायरार्की कैसे होती है, हम लोगों का किस फाइल से वास्ता पड़ने वाला है, और कोड कैसे करेंगे उसके अंदर, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे, बाकी यूजर इंटरफेस हम लोग सिलेबस की तरतीब से चलेंगे,
कि मेन यूजर इंटरफेस को हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, सही हो गया ना। आज मैं इसकी फाइल्स और हायरार्की सारी बताऊंगा। यहाँ पे रिएक्ट नेटिव का जो प्रो का फोल्डर था डेस्कटॉप पे, उसके अंदर एक फोल्डर उसने बना दिया है माई फर्स्ट ऐप का। स्क्रीन सारी नजर आती है ना, ये मैं इस टाइम कहाँ पे हूँ, या मैं हूँ फाइल एक्सप्लोरर में, सही है। अहमद शाहिद सब क्लियर है? जी जनाब। वेयर इज द वॉइस ऑफ माई टीम डेवलपर? सारे खामोश बैठे हुए हैं। अरे थोड़ा सा बोरिंग हो रहा होगा, अपने दिमाग की बत्तियों को थोड़ा सा जलाओ। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आज जो स्टार्ट कर रहा हूँ ना, तो हम लोग क्योंकि प्रैक्टिकल अब इसको देख रहे हैं ना यार, हमने रोज यही तो नहीं पढ़ना डिपेंडेंसी क्या होती है, पैकेज क्या होता है, ब्ला ब्ला। तो हम लोग उनको देखेंगे प्रैक्टिकली, कि प्रैक्टिकल में चीज क्या होती है, कैसे प्रोजेक्ट बन रहा है। ठीक हो गया, हम लोग आते हैं अब अगेन विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। तो इसने प्रोजेक्ट को बना दिया, योर प्रोजेक्ट इज रेडी। यस ओके। अब उसने यहाँ पे भी हमें तरीका बताया टू रन योर प्रोजेक्ट, नेविगेट टू डायरेक्टरी एंड द फॉलोइंग कमांड्स। और यहाँ पे उसने डॉक्यूमेंटेशन के अंदर भी हमें तरीका बताया हुआ था। ठीक है, ओके जी। तो यार बोलो तो सही, अभी तुम लोगों को मजा आने वाला है इसके अंदर। जी अभी तो अभी अभी तो पार्टी आगे शुरू हुई है, आगे चलो। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, सही हो गया। खबर करना पड़ेगा अभी। ओके वो कह रहा है रन करने के लिए क्या करो, हम इसी की बात मानते हैं। वो कहता है सीडी माय फर्स्ट ऐप। सीडी से क्या होता है, चेंज डायरेक्टरी। ये तो तुम लोगों को सीएमडी की तो बेसिक कमांड का पता होना ना, सीडी से हम लोग फोल्डर चेंज करते हैं। सीडी के आगे अगर तुम लोग डॉट डॉट्स लगाओगे तो एक एक फोल्डर हायरार्की में पीछे चला जाएगा। जैसे अभी रिएक्ट नेटिव प्रो का फोल्डर खुला हुआ तो वो डेस्कटॉप में चला जाएगा। ठीक है, सीडी के अंदर हम लोग क्या करेंगे, रिएक्ट नेटिव प्रो, रिएक्ट नेटिव प्रो लिखेंगे तो वो अगेन उस फोल्डर में आ गया। अब वो कहता है कि आप क्या करो, सी डी माई फर्स्ट ऐप। तो जो आपके ऐप का नाम का प्रोजेक्ट है ना, उस फोल्डर के अंदर जाओ रन करने के लिए इस ऐप को। तो मैं क्या करता हूँ, सी डी माई फर्स्ट ऐप, अभी इस फोल्डर के अंदर आ गया। ठीक है, बिल्कुल ओके जी। अब वो क्या कह रहा है, npm run android, इसकी जगह तुम export yes. android भी लिख सकते हो। ये documentation में क्या बता रहा है कि आप लिखो export npm start लिख दो, उससे भी हो जाएगा। expo start लिख दो, उससे भी हो जाएगा। अब वो कह रहा है npm run लिख दो, उससे तो भी वो हो जाएगा। अगर start लिखेंगे तो by default android चलाएगा, ios चलाएगा, कौन सा चलाएगा? कोई मतलब वो ये कह रहा है expo start, तो वो ये दोनों प्लेटफॉर्म के लिए QR कोड दे देगा हम लोगों को। अगर तुम लोगों ने आगे डबल डैश डाल के एंड्रॉयड लिख दिया या डबल डैश डाल के iOS लिख दिया ना, तो फिर वो स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म के लिए चलाएगा। अब यहाँ पे एक फंडा आएगा तुम लोगों के सामने, इस पर तुम लोगों ने ना थोड़ी करनी है सर्च। अभी मैं ऑनलाइन बैठा हूँ, ऐसी बात नहीं मुझे करनी चाहिए। मैं बेसिकली लिखता हूँ एक्सपो स्टार्ट, ठीक है। इसको एंटर करने से स्टार्ट हो जाएगा हम लोगों का, लेकिन क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, जैसे मान लो iOS लिखूंगा ना, तो वो मुझे क्या मैसेज देगा। Just a second. इसका मैं तुम लोग को बताता हूँ बाद में। अच्छा कंट्रोल सी से उसको ना तुमने कहीं पे भी स्टॉप कर देना होता है। मैं iOS के वाले से बाद में बताता हूँ कि मसला क्या है। हम लोगों ने जस्ट अभी यहाँ पे क्या लिखना है, एक्सपो स्टार्ट। ठीक है, सही हो गया। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्सपो स्टार्ट, ये खुद ही ना मेरा भी ब्राउजर की एक टैब ओपन कर देगा। अगर तुम लोग यहाँ पे आओ ना, ये मेरा ब्राउजर है, उसने एक टैब ओपन कर दिया इसके अंदर। अभी देखना यहाँ पे क्या होने वाला है, तमाशा होने वाला है। एक ये नजर आ रहा है ब्राउजर की मेरी टैब, ये वाली जी नजर आ रही है, नजर आ रही है। ठीक है, ये उसको क्या कह रहा है, स्टार्टिंग मेट्रो बंडलर। तो मेट्रो बंडलर क्या करता है कि तुम लोगों का जितना कोड है उसको एक बंडल में तैयार कर रहा होता है, जो एंड्रॉइड नहीं आया उसने समझना, सही हो गया। अब यहाँ पे एक QR कोड तुम लोगों के सामने आ गया, ये QR कोड। लेकिन ये जो क्यू आर कोड है ना, इसे मैं सेम नेटवर्क का जो मेरा फोन है ना, मतलब मेरा अब अगर लैपटॉप मेरे घर के वाईफाई से कनेक्ट है, तो सेम नेटवर्क का जो मेरा फोन है ना, उसके एक्सपो पे मैं इसको स्कैन करके तो इस ऐप को चला सकूंगा, अदरवाइज एरर आएगा। ये कहाँ पे क्यू आर कोड है, लैन पे हम लोग का
लैन तक चलेगा, लैन की हद तक चलेगा, लोकल एरिया नेटवर्क की हद तक, जो हम लोग के घर का नेटवर्क होगा, सही है। अगर तुम लोगों ने इसको चलाना है ना ट्यूनल पे, मतलब सारी दुनिया से आप इसको ये क्या हो गया, ट्यूनल पे चलाने से बेसिकली क्या हुआ है कि मेरा जो कैमरा साथ कनेक्ट था उसने इसको बंद कर दिया, मेरा कैमरा ट्यूनल पे कनेक्ट था। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है आवाज। जी जी आ रही है। अच्छा मैंने इसको क्या किया था, ट्यूनल पे भेज दिया था, मतलब वो सारी दुनिया पे इसको स्कैन करके तुम लोग इसको ओपन कर सकते थे, तो लेकिन ट्यूनल पे मेरा कैमरा चल रहा था जिससे तुम लोगों को मेरी स्फेयर सी शक्ल आ रही होती है, तो उसने क्या किया उसको बंद कर दिया। सही है? कुछ कुछ हो रहा है इसको समझने से? बड़ा कुछ हो रहा है। क्या कुछ हो रहा है? तो हो रहा है। ये कौन बोल रहा है? मजा आ रहा है, एक्चुअली मजा आ रहा है नई चीजें सीखने का। सही हो गया, जस्ट मुझे एक मिनट दें। मैं इसको ट्यूनल का मसला तो आ ही गया है, मैं इसको क्या करता हूँ कि उस पर भेज देता हूँ वाईफाई पे। कैम को सही हो गए। अब भी यहाँ पे मैं अब ट्यूनल पे नहीं करने वाला है, तुम लोग खुद ही करके देख लेना। अब ये मैं अपने फोन की जब इस पे स्कैन करूंगा ना, सही है ठीक, तो थीक। ये यहाँ पे वो जो ऐप मैंने बनाई है ना मेरे सामने आ जाएगी। मैं कल इसका तुम लोगों के साथ, क्योंकि कल से हम डेवलपमेंट शुरू करेंगे, तो एक अच्छा इंतजाम निज़ाम लेके आऊंगा यहाँ पे कि तुम लोग साइड पे इम्यूलेटर पे सारा कुछ देख सको। सही हो गए। अब हम आ रहे हैं अपने इसकी तरह, इसने भी इस टर्मिनल पे भी सारा कुछ कर रहा होता है हमारे लिए। जो ऐसा न्यू मीटिंग ज्वाइन कर ले। हाँ हाँ प्लीज, अभी टाइम कितना हुआ है? हाँ लेस देन अ मिनट, प्लीज स्टार्ट अ ज्वाइन अ सॉरी न्यू मीटिंग आई एम स्टार्टिंग। ओके जी आओ दोबारा।